आगामी विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में मनावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सप्लाई मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, धार पुलिस की टीम जिसमें SDOP मनावर, थाना प्रभारी मनावर, एडिशनल SP धार के लीडरशिप में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले, बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई है, जिसमें दो अंतर्राज्यीय तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुरुचरण है, जिसके निशानदेही पे उनके कब्जे से 53 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 51 देसी कट्टे हैं और 2 देसी पिस्टल हैं और 8 जिंदा कारतूस है। मैं बताना चाहूँगा कि जो दोनों आरोपी पिछले सालों में भी अवैध शस्त्र के तहत गिरफ्तार हुए हैं, उनका पुराना काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें से एक आरोपी जावरा रतलाम में भी वांटेड है, अस्थाई वारंट निकला हुआ है। एक आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान ने भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया है, जयपुर में भी पकड़ा गया है। विभिन्न राज्यों से और संपर्क कर रहे हैं हम लोग, अपने ज़िले के आसपास के जिलों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। इसका इंटर स्टेट गेंग ट्रेस हुआ है कुल मिला करके, जो शस्त्र बना करके आसपास के जिलों में, आसपास के प्रदेश में शस्त्र की सप्लाई करता था। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी कार्रवाई से अवैध शस्त्र निर्माण करने में उनको बेचने वालों पे काफ़ी अंकुश लगेगी। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल SP सिटी इंद्रजीत, SDOP मनावर धीरज बब्बर और थाना प्रभारी मनावर कमलेश सिंगार और साइबर सेल के भैरू सिंह देवड़ा की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं इस पूरी टीम को अपनी तरफ से 25,000 रुपया कैश रिवार्ड देता हूं अलग अलग अपराध में, साथ में पूरे टीम को इनाम के लिए IG साहब को भी प्रतिबंध भेजूँगा। मैं 14 अगस्त से अभी तक कितने देसी कट्टे और रिवार्ड? मैं आपने अच्छा सवाल किया, पिछले जब से हम लोगों ने अभियान चलाया है तब से ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। 14 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में 15 दिनों में 133 फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 125 देशी कट्टा है, 6 पिस्टल है और 2 रिवॉल्वर है और साथ ही 73 जिंदा कारतूस जब्त हुआ है। तो इस कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी तक 5 ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है जो लोग खुद शस्त्र बनाते थे और बना करके सप्लाई भी करते थे। तो हम लोगों ने बनाने वाले को का भी कमर तोड़ा है, साथ में सप्लाई चेन को भी ब्रेक करने का प्रयास किया है। इन लोगों से आगे भी पूछताछ चल रही है, मुझे हमारी पुलिस को और इसके द्वारा और इनपुट भी मिला है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम आगे भी अच्छा काम करेगी। इस पूरी कार्रवाई से धार जिले की कानून व्यवस्था, इस फायर आर्म से होने वाले आपराधिक गतिविधियों में निश्चित तौर पे अंकुश लगेगा और हमारा आने वाला विधानसभा चुनाव भी जो इसे प्रभावित हो सकता था उसमें भी शांति और कानून व्यवस्था बने रहने में मुझे उम्मीद है कि सहूलियत होगी। सर, ये बनाकर प्रदेश के अलावा कहीं भी व्यवस्था? हाँ जी, पकड़ी है ना? हाँ, पूरी जो जहाँ बनाते थे उस बनाने जंगल में इन लोगों ने घर बना रखा था, वहाँ पे बनाने का पूरी फैक्ट्री का सामान जब्त हुआ है, तो पूरी फैक्ट्री जब्त हुई है। और ये जो गुरुचरण है इसका सप्लाई चेन बहुत लंबा था, पहले भी जयपुर में, राजस्थान में के अन्य जिलों में भी ये पकड़ा गया है। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी इसे पकड़ के हालात में बंद किया था, वहाँ भी गिरफ्तार हो चुका है। जावरा रतलाम इसका अस्थायी वारंट है, वहाँ भी पकड़ा गया था। अपने धार जिले में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिलों से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं और इसकी गहराई से इसका हम सर्विलांस करके हम साइबर फोरेंसिक्स भी इसकी जांच करेंगे, इसके डिजिटल इक्विपमेंट्स का, ताकि और गतिविधियों का पता लग सके और सही और पुख्ता कार्रवाई हो सके।